अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आया हूँ पब्लिक गार्डन। पब्लिक गार्डन में एक म्यूज़ियम है जो YSR स्टेट म्यूज़ियम, बट कोविड की वजह से वो बंद रह रहा था, अब खुल गया। तो मैं बोला आज देखेंगे वो म्यूज़ियम को जाके, और म्यूज़ियम में क्या क्या देखने लायक चीज़ा है और क्या क्या है। और बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक 2000 साल पुरानी मम्मी रखी हुई है बोल के, और वो मम्मी के बारे में भी अपन देखेंगे अंदर जाके, और मम्मी कैसी है कौन सी है। तो ये कुछ ऐसा म्यूज़ियम है यहाँ पर, ये देखो आप लोगों का YSR स्टेट म्यूज़ियम। और यहाँ पे लगे हुए हैं इसके जो जो भी अंदर चीज़ा है, ओपन एयर गैलरीज, कैनॉन गैलरी, इंसेप्शंस गैलरी, हॉली रिलिक, काकतिया मंडपा, और एक वुडन का चैरियट भी रखा हुआ है कहते हैं अंदर, और विजयनगरा मंडपा देवी गैलरी। तो अपन अंदर जाएंगे, और क्या क्या चीज़ें रखी हुई है यहाँ पर, और क्या पहले अपन टिकट काउंटर देखी है ताकि यहाँ पर टिकट काउंटर है, ये देखो आप लोग यहाँ पे टिकट काउंटर। टिकट काउंटर कहाँ पर है? अच्छा, तो ये टिकट काउंटर है। तो कितना है भाई टिकट? 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ टिकट है, ठीक है। फ़ोटोज़ लेना है? जी हाँ जी हाँ, फ़ोटोज़ लिया तो 50 रुपीज़ होता है। अच्छा, तो टिकट 10 रुपये का है, और अगर कैमरा अगर आप ले जा रहे तो 50 रुपये उसके एक्स्ट्रा है, तो 50 रुपये उसके एक्स्ट्रा, ठीक है, दे दीजिए एक टिकट दे दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर टिकट काउंटर है लगा हुआ, और टाइमिंग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं टिकट टाइमिंग। फ्राइडे सेकेंड सैटरडे जो पब्लिक हॉलीडेज़ है उसको बंद रहेगा कहते हैं म्यूज़ियम में, और 10 रुपये एडल्ट टिकट्स है, और चिल्ड्रन 5 रुपीज़ का है। और अगर कैमरा अगर आप फ़ोन से ले रहे हो और या वीडियो ले रहे हो तो उसके लिए अलग सा चार्ज है इसका, तो 50 रुपीज़ अलग ले रहे हो ना, तो 60 रुपीज़ का टिकट है। तो अभी अपन टिकट दे देंगे यहाँ पर, दैट 60 रुपीज़, और ये टिकट है। तो ये टिकट्स मिल गए अपने को, और अपन अंदर जाएंगे। कौन सा एंट्रेंस कौन सा है यहाँ से? तो ये है एंट्रेंस, और यहाँ पे डेकोरेटिव आर्ट गैलरी बोल के है, उसमें अपन अंदर जा रहे हैं। ये देखो आप लोग डेकोरेटिव आर्ट गैलरी, वैसे स्ट्रेट आ गए, और यहाँ पे कुछ बर्तन बोल सकते आप, हुक्का कहते हैं, हुक्का का है कहते, ये पुराना हुक्का है, देखो आप लोग 19th century का, ये देखो आप लोग, ये पुराना हुक्का रखा हुआ है। और ये क्या है, ये हो, ये भी हुक्का ही है, तो ये भी हुक्का ही है। अच्छा, पूरे हुक्के रखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी क्या है, सुरई, सुरई वाटर जग। अच्छा, यहाँ पर सुरई रखी हुई है भाई, और यहाँ पर मिनिएचर सुरई है, और यहाँ पे ग्लास रखा हुआ है, फ्लावर पॉट रखा हुआ है, ज़माने के जो पुराने बर्तन थे वो रखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी बिदरी वेयर, जो बिदर का जो वेयर रहता है, बिदरी वेयर इज एन इम्पोर्ट इज द फाइनेस्ट ट्रेडिशन। अच्छा, बिदर के जो बर्तन है भाई, बहुत मशहूर बर्तन है, आप लोगों को भी मालूम होगा, तो थोड़े बिदर का जो क्राफ्ट है वो भी यहाँ पे शो कर रहे हैं लोग, बिदर का कल्चर। और ये देखो आप लोग पुराने कुछ रखे हुए हैं यहाँ पे, क्या है भाई ये, तो छोटे छोटे कुछ टुकड़े, कुछ स्टैचूस के टूटे मूटे टुकड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये देख सकते। और ये देखो आप लोग, ये भी फीमेल हेड है कहते, पापा पापा पा, 2000 साल पुराना, 2500 BC का हेड है, तो बहुत ज़्यादा पुराना सामान प्रिजर्व रखा हुआ है यहाँ पे। और ये तो, और यहाँ पे देखो आप लोग, एक पुरानी चौकी रखी हुई है 18th century AD की, ये देखो आप लोग, एक ये पुरानी चौकी रखी हुई है, और ये भी पुराना कुछ बर्तन है रखा हुआ। और ये मैं आपको लोगों को बोला ना, बिदरी क्राफ्ट का जो सामान रहता है, जो बिदरी क्राफ्ट का पुराना सामान रहता था, वो कई सौ साल पुराना जो बर्तन लोग यूज़ करते थे किलों में, विजयनगरा एम्पायर, और ये वो जो 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 भी एम्पायर्स यहाँ पे, जो काकतियाज विजयनगरा एम्पायर्स के जो बर्तन है वो पूरे यहाँ पे आप लोगों को रखे हुए मिल जाएंगे। और ये जो है, ये पुराने स्टैचू है, कई कम से कम 1000-2000 साल पुराने स्टैचू दिख रहे हैं यहाँ पे, और आगे जा रहे हैं और क्या देखेंगे, और इधर भी स्टैचू रखे हुए हैं, ये देखो देखो आप लोगों, इस पर क्या लिखा हुआ है, फीमेल फिगर। अच्छा, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट का है कहते भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, फीमेल फिगर गोलत्था गुड़ी इसका नाम है, और एक ह्यूमन हेड रखा हुआ है, ये भी गोलत्था गुड़ी महबूब नगर का ही है, ये भी है देखो आप लोगों, बिल्कुल डरावनी फेसेस के भी दिख रहे हैं मेरे को इसमें बहुत। और ये देखो आप लोग, मेल फिगर है, इनू आँखा बंकरे हुए है, बट इनू, और इनू फीमेल फेस, और इनू मेल फेस के इनू आँखा बंकरे हुए है, और इन्हों भी आँखा बंद करे हुए हैं, मगर इन्हों आँखा खोलिए तो मैं फिर यहाँ से नहीं देख पाऊँ। और यहाँ पे क्या है भाई, अच्छा यहाँ पे कुछ पुरानी ज्वेलरी रखी हुई है, देखो आप लोग इधर ये देख सकते हैं, मतलब जो पुराने किलों में जो पहनते थे, वैसे पुराने फोर्ट्स में जो पहनते थे, वो टाइप की ज्वेलरी यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे भी बोल रखा हुआ है, और यहाँ पे तलवार रखी हुई है देखो आप लोग, जेट डैगर,
डैगर नहीं, इसको खंजर बोलते हैं आप लोग, खंजर जो बोलते हैं ना, खंजरा रखे हुए देखो आप लोग। आप लोगों को ग्लास के शेडो में कुछ भी दिख रहा नहीं होगा, तो ये पुराने बोल्स रखे हुए और एक खंजर यहाँ पे रखी हुई है देखो आप लोग, पुरानी डैगर बोल सकते हैं आप लोग, 18th सेंचुरी की डैगर रखी हुई है, थोड़ी स्ट्रेट डैगर है और ये थोड़ी अलग, थोड़ी फोल्डेड डैगर रखी हुई है ये देखो आप लोग। और ये भी पुराना, पुराने टाइप का कुछ चेन रखा हुआ है, 2 सेंट बॉटल्स, अच्छा सेंट के बॉटल आते कहते भैया, देखो आप लोग चेन में रखे हुए हैं सेंट के बॉटल। और ये मिरर विद जेड रखा हुआ है, और यहाँ पे एक पुराना बुल रखा हुआ है ये देखो आप लोग। और यहाँ पे भी एक खंजर रखी हुई है पीछे, 4th क्रॉस खंजर है पीछे ये देखो आप लोग, पुरानी पीछे रखी हुई है सो, तो 3 खंजरा पूरे रखे हुए हैं यहाँ पे। कुछ क्या है भैया ये भी पुराने बर्तन के हिसाब में है ये देखो आप लोग, जो पुराने पानी डालते थे करते थे वो हिसाब से वैसे बर्तन रखे हुए है। समावर कहते हैं इसका नाम, समावर है कहते हैं, और ये भी 19th सेंचुरी का है कहते हैं। और यहाँ पे क्या है भाई, अच्छा यहाँ पे भी पुरानी ज्वेलरी है देखो आप लोग, 2 चेन विद 2 स्ट्रिंग्स एंड 2 पेंडेंट्स, पुरानी ज्वेलरी है कहते हैं ये वाली, ये देखो आप लोग, ईयर रिंग है, तलिस्मान है, रिंग, सॉगनेट रिंग, जड़ा बिल्ला, अजीब अजीब नाम है भाई इसके। और ये देखो कुछ एक अलग सा पट्टा है, कौन से क्वींस पहने थे इसको, कौन से रानियाँ पहने थे इसको, ये तो आप लोग वहाँ देख के बोल सकते कई हज़ारों साल पुराने। और ये देखो आप लोग कुछ, ये नीचे ईयर रिंग्स रखे हुए, ये जो देख रहे हैं आप लोग ईयर रिंग्स है, और ये जो देख रहे हैं ये जो चेन है फ्लैट पेंडेंट, और ये भी गोल्ड बेड चेन है कहते हैं, गोल्ड की चेन है कहते हैं भैया देखो। तो पूरे जो रानियाँ पहनते थे खिलों में वो है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी पूरे खंजरा है, नेकलेसा रखे हुए है ये देखो आप लोग, पूरे खंजरा नेकलेसेस 1 2 3 4 खंजरा रखे हुए है भैया। कब के खंजरा है ये, 18th सेंचुरी के खंजर्स है कहते। और ग्लासेस साफ़ नहीं रहने की वजह से सही दिख रहा नहीं, लोग ग्लासेस साफ़ नहीं करे, ये देखो आप लोग कितनी धूल जमी हुई है ग्लासेस पे, खंजर रखी हुई है और वहाँ पीछे तलवार रखी हुई है ये देखो आप लोग, तलवार मैं आप लोगों को पीछे करके बता रहा हूँ, ये तलवार भी रखी हुई है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे भी खंजरा रखे हुए पुराने जम्बिये कहते लिखे उन्होंने इसे, पेयर ऑफ क्राउन्स जम्बिया, ये देखो आप लोग जम्बिये देख सकते हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे भी कुछ पुराने लकड़ियाँ, स्क्रैचिंग स्टिक, अच्छा द वॉकिंग स्टिक, लॉ एंड फिगर हैंडल देखो आप लोग, मम्मी गैलरी है ये यहाँ पे रखी हुई है ये देखिए आप लोग, इजिप्टियन मम्मी गैलरी बल्कि इसको एक अलग से बना के रखे सोए, इजिप्टियन गॉडेस हैथर पैटर्नस ऑफ कॉस्मिक रिजनरेशन होल्डिंग इन द साइन ऑफ लाइफ अंक इन हर हैंड्स। तो अपन अंदर जाएंगे मम्मी के लिए, और ये आ गए अपन जो मम्मी यहाँ पे रखी हुई है 2000 ईयर्स पुरानी मम्मी ये देखिए। तो लोगा बोलते 2000 साल पुरानी मम्मी है ये, और ये 6th फैराओ की बेटी थी, प्रिंसेस नाइशो जो 6th फैराओ था इजिप्ट का उसकी बेटी है ये, जो 17 साल की उम्र में डेथ हो गई थी इसकी, ये देख सकते हैं आप लोग, वो 6th फैराओ था उसकी बेटी है, 17 साल के थे जब इनकी डेथ हो गई थी। तो 6th निज़ाम जो अमीर महबूब अली ख़ान थे उन्होंने ख़रीद के लाए थे मम्मी है $1000 में हैदराबाद को, तो काफ़ी अरसे से रखी हुई हैदराबाद में मम्मी है। और इसका कुछ यहाँ पे मैप है ये देखो आप लोग, वैली ऑफ द नील बोल के, पिरामिड ऑफ मिनकारू लोअर इजिप्ट, इन्हों कहाँ कहाँ से आए, पिरामिड ऑफ खूफा, गीज़ा, सकारा, मिसाफिस, दशूर, पिरामिड, फायूम, और ये पूरा एक रोड मैप के टाइप में बना हुआ है देखो आप लोग, अपर इजिप्ट और खारगा ओएसिस, टेंपल ऑफ हुरुस, ईस्टर्न डेस्टन, टेंपल ऑफ कोम्बो, यहाँ से टेंपल ऑफ रेमेसिस टू, ये जो फेराओं था उसके टेंपल्स है यहाँ पे, टेंपल ऑफ क्वीन नेफरित्री, टेंपल ऑफ रेमेसिस टू। तो एक बिल्कुल एक रोड मैप के वैसा पूरा इलाका बनाई सो है इजिप्ट का ये। और यहाँ पे लिखे हुए देखो, द इजिप्ट्स बिलीव दैट आफ्टर लाइफ वुड बी स्पेंड इन द फील्ड ऑफ रीड्स, इलों का जो बिलीफ था वही इलोहा सोचते थे कि जो मम्मीज इलोहा प्रिजर्व करके रखते थे तो इलोहा आफ्टर लाइफ डेथ के बाद में अगर उठेंगे बोल के ऐसा इलोहा प्रिजर्व करके रखते थे, तो इलों का एक अलग ही टाइप का रिलीजन था
इजिप्टियन रिलीजन जो था बिल्कुल एशियंट रिलीजन था, तो इसीलिए लोग मम्मीज प्रिजर्व करते थे यहाँ पे पूरे। और अगर जो मम्मीज प्रिजर्व करने का जो मम्मीफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल अलग है। कैसा है बोले तो, जब इन मम्मीज वो करते थे, जब मर गए बाद में जो आपका ब्रेन, जो मम्मी का ब्रेन रहता, वो मम्मी का ब्रेन फोड़ के नाक से निकाल लेते थे। जो इंटरनल ऑर्गन्स है इसके, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स निकाल लेते थे, तो ब्रेन नाक के जरिए बाहर निकाल लेते थे। और जो लेफ्ट साइड पूरा जो स्टमक रहता उसको कट कर देते थे। कट कर दे के इंटरनल जो ऑर्गन्स रहते, इंटेस्टाइंस, लिवर, ये वो पूरे चीज़ें निकाल के एक कैनोफी जार में डाल देते थे, सिवाय हार्ट को छोड़ के। एक हार्ट बॉडी में रहता था, बाकी पूरे जो इंटरनल ऑर्गन्स है पूरे मम्मीज के, जितने भी मम्मीज आप आज वर्ल्ड में मम्मीफाई लोग करे हुए है, मम्मीफिकेशन जो जितने भी मम्मीज है पूरों का यही हाल है। तो आप इसमें भी जो इसके भी ये भी जो मम्मी है इसके भी इंटरनल ऑर्गन्स पूरे मिसिंग रहते। क्यों बोले तो, उन लोगों का मम्मीफिकेशन प्रोसेस ही ये था कि पूरे ब्रेन निकाल लेते थे और जो इंटरनल ऑर्गन्स है पूरे लिवर से लेके जो इंटेस्टाइंस रहते हैं पूरे, वो पूरे निकाल के जब मम्मीफाई करते थे तो कुछ ऐसी रैपिंग करते थे। ये देखो आप लोग, वो ज़माने की पूरी रैपिंग आप लोग देख सकते हो। और इस पर कुछ पुराने तस्वीरात भी है, और इसका कुछ चेहरे पे जो प्लास्टर है वो फट गया। ये देखो आप लोग, चेहरे का जो प्लास्टर है लेफ्ट साइड का वो फटा हुआ है। और ये प्रिंसेस के लिए जो दूसरे मम्मीज है ऐसे डिज़ाइन के नहीं रहते थे, मगर इन्हों प्रिंसेस थे कहते, सिक्स्थ फिरौन की बेटी, तो इसलिए थोड़ा डिज़ाइन इनका और थोड़ा थोड़ा शाही अंदाज से इनको जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल शाही अंदाज से लपटा गया है इनको। और एक अलग टाइप का साल्ट आता था वो ज़माने में, वो साल्ट से पूरा बॉडी को लोग लगा देते थे। रैपिंग्स आप लोग देख सकते कितने पुराने रैपिंग आए, और वो साल्ट से पूरा प्रिजर्व कर देते थे मम्मी को। इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है कि इज बिलीव टू यंग गर्ल एज बिटवीन 16 ईयर्स टू 18 ईयर्स, डॉटर ऑफ द फिफ्थ फैरो ऑफ इजिप्ट, और 300 और 100 बीसी के बीच में थी कहते। इट्स वन ऑफ द सिक्स मम्मीज प्रिजर्व इन द म्यूजियम। छः मम्मीज है कहते भाई, सिर्फ इंडिया में ऐसे सिर्फ छः मम्मीज रखे हुए कहते पूरे इंडिया में, उसमें से सिर्फ एक मम्मी जो हैदराबाद में अभी रखी हुई है। और ये मम्मी हैदराबाद को कब लाई हुई थी बोले तो, कम से कम 100 साल हो गया। सिक्स निज़ाम लाई थी कहते उसको, जो $1000 में खरीद के, मैं आप लोगों को बोला हूँ बारे में भी। और द पैनल्स डिस्प्ले बिलोड इन द गोल्ड कलर एंड डिपिसिट द गार्डियन डिवाइनिटीज थॉट ऑफ गॉड ऑफ मैजिक, जो लोग मानते थे गॉड ऑफ मैजिक पे, आइसिस एंड निप्थाइस पे, डिवाइन काउ फ्रॉम वैली ऑफ द किंग्स। जो इन लोगों के जितने भी मम्मीज मिले, तो तुतानखामुन और जो जितने भी फिरौन के मम्मीज मिले, वो द वैली ऑफ द किंग्स बोल के एक इजिप्ट में वो है, वहाँ पे मिले सो मम्मीज है कहते ये। और हर साल खैर बहुत सारे मम्मीज मिलते रहते हैं वहाँ पे भी। और ये लोगों के रिलीजन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप लोगों, जो लोग रिलीजन को मानते थे, और ये जो आफ्टर लाइफ इन लोगों जो वो करते थे, वो आफ्टर लाइफ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो खैर ये बिल्कुल बहुत अजीब से बात है अगर इन लोगों के बारे में करने बैठे तो। तो बहुत सारे स्ट्रेट जाने का है, हाँ, तो इन लोगों के बारे में बहुत अजीब से बात है। ये लोग आफ्टर लाइफ बहुत अलग तरीके से मानते थे, और ये लोग ये मानते थे कि आगे इनको उठाया जाएगा, इनके बॉडीज़ में फिर से इनकी रूह आएंगी। ये लोग अपने आप को खुदा मानते थे भाई, तो वो हिसाब से अल्लाह का इन लोगों के ऊपर अजाब हुआ। ये जो अजाब था ये हिसाब से अजाब इन लोगों को अल्लाह के ऊपर अजाब हुआ, इन लोग अपने आप को खुदा मानते थे वो हिसाब से। ये पुराने कुछ स्टैचू आए देखो भाई यहाँ पे, टू ब्रॉन्ज सेट्स ऑफ लिम्स फिगर ऑफ तारा, ये भी कोई पुराना स्टैचू है तारा का। और यहाँ पे स्टैचूज रखे हुए हैं ये भी, हर स्टैचू में मैं गौर करा, इन लोगों की आँखा बंद है, मेरे को नहीं मालूम आँखा इन लोगों के देखो बंद है। औरंगजेब आलमगिरी के कपड़े रखे हुए माशाल्लाह यहाँ पे, देखो आप लोग, औरंगजेब आलमगिरी की ड्रेस है ये देखो आप लोग, जो लास्ट एक्टिव मुगल एम्परर थे जो हैदराबाद को जो आके जीते थे, फतह करे थे, उनका ड्रेस रखा हुआ है ये। और एक बाजू कारपेट रखी हुई है कालमगिरी बेड स्प्रेड बोल के, ये कब की है भाई, हिंदू मुस्लिम आर्टिस्ट, अच्छा ये भी कारपेट उनके साथ की से शायद मेरे हिसाब से, तो इसलिए उनके साथ में रखे हुए वो। तो लोग वहाँ पे लिखे कि आलमगीर की, औरंगजेब आलमगीर की ड्रेस है बोल के।
और ये जो बर्तना देख रहे हैं आप लोग, ये औरंगजेब डायनेस्टी के बर्तना हैं। ये वाले जो राबिया बेगम जो उनकी वाइफ थी वो वहाँ से कस्टेडियन करे हुए बर्तन से कहते हैं, जो लास्ट मुगल एम्परर औरंगजेब है वो डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये वाले बर्तन ये देख सकते हैं आप लोग, उनकी वाइफ कन से कस्टडी करके लाए बोल के बोलते हैं कई सौ साल पहले, और यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। और कुछ ऐसे टाइप के प्लेट से देखो आप लोग, नीचे देखिए और क्या क्या सामान नीचे रखा हुआ है। और ये अपन बाहर निकल रहे हैं म्यूज़ियम में, अंदर घुसते एक अंबारी रखी हुई है जो हाथी के ऊपर सवारी करते थे बादशाह क्वींस जो रहते थे वो ज़माने के। ये देखो आप लोग, जो शाही सवारी बोल सकते आप लोग, ये देखो आप लोग कितने इसको क्वेश्चंस पूरे लगे हुए हैं। और ये देखिए एक उसकी फ़ोटो वो ज़माने की जो हुआ करती थी वहाँ पे ऊपर रखी हुई है अंबारी, यही अंबारी रखी हुई है ऊपर। ये देखो आप वहाँ ऐसा हाथी की पीठ के ऊपर आती थी पहले, एक कारपेट के ऊपर अंबारी रखी हुई और उसके ऊपर एक छतरी लगी हुई, जैसा बादशाह निकलते थे सवारी के वास्ते वो हिसाब से वैसा रहता था। ये देखो आप लोग, और अपन अंदर जा रहे हैं, ऊपर गए थे अपन अभी, अब अपन अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखेंगे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे एक रथ रखी हुई है बाजू, जो चैरियट बोलते हैं, वुडन चैरियट, 7th century AD विजयनगरा पीरियड की चैरियट है कहते हैं, वुडन की। यहाँ पे इसका एंट्रेंस यहाँ से है, तो वुडन की चैरियट देखेंगे अपन जाके। एक कुत्ता बैठा हुआ है, चल, एक यहाँ पे कुत्ता भी बैठा हुआ है। और वुडन चैरियट जेतिपुरोला कहते हैं, अब अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखेंगे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे एक रथ रखी हुई है बाजू, जो चैरियट बोलते हैं, वुडन चैरियट, 7th century AD विजयनगरा पीरियड की चैरियट है कहते हैं, वुडन की। यहाँ पे इसका एंट्रेंस यहाँ से है, तो वुडन की चैरियट देखेंगे अपन जाके। और ये बोल सकते पुरानी रथ बोल सकते, नहीं वुडन चैरियट है कहते, 17th century AD की। कितनी बड़ी है, कितनी यूज है देखो भाई, कितनी यूज है देखो आप लोग, बहुत बड़ी है। और इसके टायर्स आप लोग देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े टायर्स हैं, मेरी हाइट के तो खाली टायर्स है इसके। ये देखो आप लोग, इसको चढ़ने का कहाँ से है वो मेरे को भी नहीं मालूम। और आगे अपन जाएंगे तो ये रथ हुआ करती थी कहते भाई, ये देखो आप लोग, बट कंडीशन में बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में है, कौन सी लकड़ी की बनी हुई है ये मेरे को भी नहीं मालूम। और इसके टायर्स देखो आप लोग, बिल्कुल ढस गए अब इसके अंदर, इन्हें हटना नहीं जगह पे से, बल्कि इन्हें अगर हटी तो इसको ख़ास ऐसा पूरा करके उसको वो कर दिए, सो है पूरा इसके लिए एक अलग सा शेड बना दिए, सो इन्हें पानी में भीगना नहीं बल्कि इसके लिए अलग सा शेड बना दिए इसको है। और 16th century की रथ है कहते हैं, वुडन की। ये देखो आप लोग, रखे हुए देखो आप लोग, पुराने ज़माने के बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग। ये एक अलग टाइप का मशीन गन बोल सकते हैं आप लोग, या इसको कुछ अलग बोल सकते हैं, बट ये टेक्नोलॉजी देखो आप लोग, कितनी अलग टाइप की टेक्नोलॉजी है, ये तोप की टेक्नोलॉजी आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल एक अजीब टाइप की, अलग टाइप की टेक्नोलॉजी के साथ रखे हुए देखो आप लोग। ये जो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और कुछ अलग टाइप के कैनॉन भी यहाँ पे रखे हुए हैं जो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये वाले जो कैनॉन है और ये वाले दूसरे कैनॉन भी यहाँ पे रखे हुए हैं, ये छोटे तोपा बड़े तोपा। इस पे लिखा हुआ है इट्स स्टील इन 10th steel बोल के लिखा हुआ है, अच्छा तोप के ऊपर 10th steel बोल के लिखा हुआ है। तो मैं भी अब म्यूज़ियम से निकल रहा हूँ, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पे, और ज़्यादातर बोरिंग चीज़ें हैं म्यूज़ियम में देखने को, और एक चीज़ है कि मम्मी है देख सकते हैं आप लोग, वो अच्छी चीज़ है। तो खैर आज का व्लॉग अपन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय। Yeah.